तो भाई स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 हम सब के लिए एक बहुत ही बढ़िया सीजन रहा है। और दोस्तों इस बात को कहने में कोई भी डाउट नहीं है कि ये वन ऑफ द बेस्ट सीजन रहा है भाई अब तक। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से सीजन 4 यहाँ पर खत्म हुआ है, अब लोग सीजन 5 का इंतजार करने लगे हैं। तो हाजिर यार हमारा ये वाला वीडियो, आखिरकार क्या हो सकता है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 में, किस तरीके से स्टोरी रहने वाली है और आखिरकार किस तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाया जाने वाला है, इन सारी चीजों पर दोस्तों आपसे बात की जाएगी। लेकिन यार अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है इसका मतलब आप मूवी सिनेमा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो भाई प्लीज जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यकीन मानिए भाई हम आपको कभी भी बोर नहीं करने वाले हैं। तो बिना दो बात और ज्यादा किए करते हैं इस धांसु वीडियो की शुरुआत। चलिए दोस्तों अब इसके रिलीज डेट के ऊपर बात कर लेते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो को ओपन किया हुआ है। एक्चुअली दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर्स डफर वेल्स ने ऑलरेडी ये कंफर्म कर दिया था कि भाई इस सीरीज के हम लगभग 4 से 5 सीजन रिलीज करने वाले हैं। अब दोस्तों रिलीज डेट को ध्यान में रखते हुए हमारे पास एक अच्छी खबर भी है, एक बुरी खबर भी है। भाई अच्छी खबर ये है कि सीजन 5 आने वाला है, लेकिन दोस्तों कब आने वाला है ये ऑफिशियली क्रिएटर्स की तरफ से अभी तक कंफर्म नहीं किया है। अब दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग्स के यहाँ पर जितने भी सीजन रिलीज हुए हैं उन सबको अंदाजा लगाने के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ कि सीजन 5 कब तक आ सकता है। अब भाई दोस्तों सीजन 1 के बारे में आपसे बात करें तो भाई सीजन 1 हमारे बीच में आया था 2016 में, और क्योंकि भाई ये शो एक इनिशियल स्टेज पे था तो भाई क्रिएटर्स ने ज्यादा दिन नहीं लगाए सीजन 2 को रिलीज करने में, क्योंकि वो 2017 में हमारे बीच आ चुका था। अब दोस्तों ये एक ऐसा समय था जब स्ट्रेंजर थिंग को फाइनली लोग भाई जानने लगे थे, एक आइडेंटिटी मिल चुकी थी स्ट्रेंजर थिंग को। अब ये शो रिलीज हुआ, इसका थर्ड सीजन रिलीज हुआ यहाँ पर 2019 में, और ठीक दोस्तों उसके 3 साल बाद हमारा सीजन 4 आया सन 2022 में। दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग ने आज तक इतना बड़ा गेप नहीं लिया था, वो भी 3 साल का। लेकिन भाई हमको एक बात को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि भाई पिछले कुछ सालों में हमारे पास कोरोना भी तो था, और COVID-19 पेंडेमिक के रहते हुए यहाँ पर हमको सीजन 4 की डेट बहुत ज्यादा डिलेड देखने को मिली। नहीं तो दोस्तों ये जो सीजन है हमारे पास बहुत पहले ही आ जाता। दोस्तों वही 1 साल के गेप को हटाते हुए भी भाई हमको 2024 में इसका सीजन 5 देखने को मिल सकता है, नो डाउट। लेकिन दोस्तों ये तो हमारी थ्योरीज है, ये एक ऑफिशियल डेट तो बिल्कुल भी नहीं। और वही दोस्तों एक मंथ को कंफर्म करके बात की जाए तो भाई ये जो सीजन है वो समर के लगभग रिलीज होने वाला है, क्योंकि दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग ज्यादातर अपने जो सीजन है वो समर के टाइम ही रिलीज करता है। चलिए दोस्तों ये तो हो गई थोड़ी बहुत रिलीज डेट की बात, आइए आपसे स्टोरी के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो सीजन 4 वॉल्यूम 2 दोस्तों कुछ इस तरीके से खत्म हुआ था, जहाँ पर कि हमने ये देखा था कि रियल वर्ल्ड और अपसाइड डाउन वर्ल्ड दोनों के दोनों मर्ज हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इस स्टोरी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर की मेन प्लॉट लाइन दोस्तों सीजन 5 में डेफिनेटली होने वाली है। वही दोस्तों हॉकिंस के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो सबसे पहला पॉइंट है। तो जैसा कि दोस्तों हमने सीजन 4 के एंड में देखा कि मैक्स पूरे 1 मिनट के लिए मर चुकी थी, क्योंकि दोस्तों अपसाइड डाउन वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में उसने 3 गेट तो खोल लिए थे और एक चौथा गेट खोलना बाकी रह गया था जो कि मैक्स की डेथ के बाद खुलता। और यहाँ पर दोस्तों मैक्स का 1 मिनट के मरना इतना काफी है कि एक गेट यहाँ पर ओपन हो जाए। और डॉक्टर बेनर ने जिस थ्योरी को दोस्तों हम सबको एक्सप्लेन कर बताया था कि अगर डैम में बार बार क्रैक्स आए तो एक दिन ऐसा आता है कि वो डैम टूट जाता है, और वो फाइनल क्रैक वही था जो कि मैक्स के मरने के बाद होता। और दोस्तों जो चीज आगे होने वाली है ये चीज तो दोस्तों हमको ऑलरेडी पता है कि भाई अगर मान लो अपसाइड डाउन वर्ल्ड और हमारा रियलिटी का वर्ल्ड एक हो जाता है तो भाई कितनी तबाही होगी ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अब वहीं दोस्तों वेकना अपने मेन इंटेंशन के बारे में 11 को बताता है इससे पहले कि रॉबिन और नैन्सी उसे जला दे। लेकिन दोस्तों वेकना के मेन इंटेंशन के बारे में काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी जान चुके थे। वेकना अपनी ही एक अलग दुनिया जनाना चाहता था जो कि इस दुनिया से कहीं ज्यादा सुंदर होती, और यहाँ पर वेकना के अकॉर्डिंग ये दुनिया अभी उतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर दुनिया मैं अकेला बना सकता हूँ। वही दोस्तों विल भी हमको इस बारे में बताता है कि भाई वो रुकने वालों में से नहीं है जब तक वो सबको नहीं ले जाता। और भाई इस बात को भी कहना अब ज्यादा डाउटफुल नहीं रहा कि भाई अब जो है वो अंत की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों हम सब ने देखा कि यहाँ पर वेकना के फिजिकल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था जो कि वो ह्यूमन था, और वेकना के इस ह्यूमन फॉर्म को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो अपना फॉर्म शायद माइंड फ्रेयर के रूप में ले सकता है, क्योंकि भाई आखिरकार वेकना ने माइंड फ्रेयर को बनाया था। और यार स्ट्रेंजर थिंग का ये जो सीजन है वो हर बार की तरह कॉमन नहीं होने वाला, इस बार भाई कुछ अलग ही लेवल का वेकना करने वाला है। भाई वो इस बार अपनी ग्रेट स्पीड में दिखने वाला, क्योंकि भाई सबसे बड़ा टास्क तो अभी ये है कि कैसे भी कर भाई उसको 11 से बदला लेना। और भाई दोस्तों यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर डेमोगॉर्गन, डेमोडॉक्स और यहाँ पर डेमोबैट्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है, जो कि भाई हमको सीजन 4 में ज्यादा नहीं दिखाई गई।
हालांकि दोस्तों इस चीज की जरूरत भी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि दोस्तों हॉकिंस के ऊपर जिस लेवल की तबाही आपको दिख रही होगी, मेरा कहना यहाँ पर गलत भी बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर अपसाइड डाउन वर्ल्ड रियलिटी का वर्ल्ड एक ही हो चुका है, तो यहाँ पर सारे क्रिएचर्स मिलकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। अपसाइड डाउन वर्ल्ड के सारी क्रिएचर्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर मारने की कोशिश की जाएगी। लेकिन भाई इस बार वेकना जिस तरीके से पहले कम्युनिकेट करता था लोगों से पजेशन के थ्रू, इस बार भाई वो चीज हमको मुझे नहीं लगता देखने को मिलने वाली है। इस बार वो कुछ और डार्क लेवल पर करने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों सारी चीजों को रोकने के लिए हमारी पूरी टीम को एक बार फिर यूनाइट होना पड़ेगा और एक बार फिर हॉकिंस को बचाना पड़ेगा। और भाई उससे बड़ा टास्क ये है कि सारे गेट को किसी भी तरीके से क्लोज किया जाए। और यार मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इससे ज्यादा बेस्ट तरीका वेकना को हराने का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और यार मेरा ये मानना है कि यहाँ पर विल की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होने वाली है फाइनल सीजन में। और यार हमारा विल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका कि भाई बहुत बड़ा पर्सनल कनेक्शन है माइंड फ्रेयर के साथ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विल ने कुछ ऐसा भी बताया था कि वो अभी भी वेकना को फील कर सकता है कि भाई वो जिंदा है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ एलिमेंट अभी भी वेकना के प्रेजेंट है इस धरती पर, ऐसा विल ने हमें ऑलरेडी बता चुका है। अब शो के दोस्तों सबसे ज्यादा इमोशनल पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, जहाँ पर की ये सारी स्टोरी चालू हुई थी, जिसका नाम है भाई मैक्स। तो मैक्स का तो दोस्तों आप जानते ही हैं, मैक्स कोमा में पहुंच चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर ने इतना भी कह दिया था कि अब वो यहाँ पर कभी नहीं उठने वाली। वहीं दोस्तों इलेवन उसके माइंड में जाने का ट्राई करती है, यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन यार इससे पहले आज तक इलेवन ने इस तरीके का एक्सपीरियंस कभी भी नहीं देखा था। जितनी बार भी दोस्तों यहाँ पर इलेवन ने मैक्स के माइंड में जाने का ट्राई किया, वहाँ पर उसे मैक्स मिली है। लेकिन दोस्तों मैक्स के कोमा में जाने का मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर वो अनरीचेबल हो, यहाँ पर उस तक पहुंचे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। और यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि मैक्स कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। और यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर वेकना ने उसके माइंड को अभी भी होल्ड कर रखा हो। अब वहीं दोस्तों एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर और निकल कर आती है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ना तो वो रियलिटी के वर्ल्ड में हो और ना ही अपसाइड डाउन वर्ल्ड में हो, वो बीच में कहीं फंस गई हो। अब वहीं दोस्तों अगर मैक्स मेफील्ड वेकना के पास है पोटेंशियली, तो यहाँ पर दोस्तों उसको सबसे बड़ा टास्क ये है कि किसी भी तरीके से भाई उसकी कोई इन्फॉर्मेशन निकाले या फिर उसकी कोई वीकनेस को फाइंड आउट करे। और भाई ये पॉसिबल भी है, क्योंकि भाई क्रिएटर्स को अगर मैक्स मेफील्ड को मारना होता तो भाई वो एडी मंसन की तरह उस चीज को खत्म कर सकते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैक्स को होल्ड पर रखा गया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटर्स का ये बैकअप प्लान कि भाई ये जो कैरेक्टर है वो आगे जाकर और भी ज्यादा काम आ सकता है। और यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि जब फाइनल बैटल की बारी आए तो यहाँ पर मैक्स एक बहुत बड़ा रोल अदा करे। यही दोस्तों हमने आपसे विल के बारे में तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। अब वहीं दोस्तों इस शो के लीड कैरेक्टर इलेवन के बारे में भी हम आपसे बात कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों यहाँ पर इलेवन ने अपनी पावर में बहुत सारे एनहेंसमेंट भी महसूस किए हैं। यही दोस्तों इलेवन की एक नई पावर के बारे में भी हमें पता चला कि वो खोए हुए लोगों को अपनी इस रियल लाइफ में वापस ला सकती है, जो कि उसने मैक्स मेफील्ड के लिए किया। और भाई ये चीज हमने पहले कभी नहीं देखी थी भाई इन तीन सीजन्स में। साथ ही दोस्तों एक बहुत अच्छी डिटेल ये भी है कि भाई ये सारी चीजें ग्रुप को अभी भी नहीं मालूम है। अब यही एबिलिटी को यूज करने के लिए शायद दोस्तों एक ऐसा समय आया फाइनल के दौरान जिसके लिए भाई वो ये ट्रिक दोबारा अपनाए, जिसके लिए कि वो केयर करे। लेकिन दोस्तों वही ये चीज करने के लिए वो एक पल को डर भी सकती है, क्योंकि दोस्तों मैक्स के साथ जो हुआ वो सच में उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। वही दोस्तों सीजन 5 में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर इलेवन अपनी पावर पर और ज्यादा मेहनत करे, क्योंकि भाई इलेवन को 100% कॉन्फिडेंस था कि वो कैसे भी कर भाई वेकना को तो हरा ही देगी। लेकिन भाई इसका पूरा उल्टा हो गया। अगर यहाँ पर स्टीव और नैन्सी यहाँ पर उसके फिजिकल फॉर्म को बर्नआउट नहीं करते तो शायद दोस्तों इलेवन हमको दोबारा देखने को नहीं मिलती। वही दोस्तों जोनाथन और नैन्सी के बीच में हमने कोई भी अटैचमेंट नहीं देखा, क्योंकि भाई ये दोनों ही लोग अलग हो चुके थे शुरू में। लेकिन दोस्तों हमने स्टीव और नैन्सी के बीच यहाँ पर बहुत सारी दूरियां हमने कम होते हुए देखी। और शायद दोस्तों सीजन 5 के दौरान एक ऐसा मूवमेंट भी आ सकता है कि जब स्टीव और नैन्सी के बीच हमको दूरियां बिल्कुल भी ना दिखाई दें और ये एक हो जाएं। और इस बात में कोई डाउट नहीं, इतना होने के बाद हम इन दोनों को साथ देखेंगे। अब वहीं दोस्तों ये शो नॉर्मल शोज की तरह नहीं है, ये शो जब भी खत्म होता है अपने आप का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम सबके ऊपर छोड़कर जाता है। तो भाई मेरा तो ये कहना है कि यहाँ पर कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा जो मेन रहेगा वो अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर लेगा हॉकिंस को बचाने के चक्कर। अब वही दोस्तों एंड ऑफ द सीजन हमने ये भी देखा कि बहुत सारे जो मेन कैरेक्टर्स थे वो ऑलरेडी यूनाइट हो चुके थे। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हमको एडी के कैरेक्टर को खोना पड़ा था। ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि कम टाइम में बहुत बड़ा इंपैक्ट हम सब के ऊपर छोड़ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि भाई आने वाले सीजन में इस कैरेक्टर को और भी ज्यादा टाइम दिया जाए। कहने का मतलब भाई ये कैरेक्टर शो में रिटर्न हो सकता है। और भाई अगर एडी का कैरेक्टर वापस आता है तो भाई ये शो और भी ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। लेकिन दोस्तों क्रिएटर किस तरीके से इस चीज को वापस लाते हैं ये तो भाई देखने लायक रहने वाला है। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर सारी मेन कास्ट होने वाली है, जैसे कि माइक, विल, डस्टिन, लुकस, एरिका, हॉपर, जॉयस, नैन्सी, जोनाथन, स्टीव, रॉबिन और जितनी भी कैरेक्टर है सारे के साथ। शायद दोस्तों हम मुरी के साथ साथ एंजो को भी दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि भाई उसका पूरे तरीके से हृदय परिवर्तन हो गया था सीजन के एंड में। वहीं दोस्तों वेकना का कैरेक्टर जिन्होंने निभाया है, जिनका नाम
में भाई जेमी उनका कैरेक्टर भी वापस आ सकता है। अब वही दोस्तों वेकना के ओरिजिनल फॉर्म को तो हम बिल्कुल भी नहीं देखने वाले क्योंकि भाई अब उसको बर्न कर फेंक दिया गया। लेकिन दोस्तों वही कई रिक्वायरमेंट्स के चलते हुए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि वेकना के फिजिकल फॉर्म को एज अ फ्लैशबैक बताया जाए। अब वही दोस्तों वेकना अगर माइंड फ्रेयर को कंट्रोल करता है तो शायद उनकी जो वॉइस है हमको सुनाई दे सकती। अब वही दोस्तों सीजन 4 के बारे में हमने ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई थी कि हमको नए कैरेक्टर्स देखने को मिले, लेकिन दोस्तों हमको काफी कैरेक्टर्स नए देखने को मिले थे। ऐसा सीजन 5 के साथ भी हो सकता है कि हमको शायद नए कैरेक्टर दोबारा देखने को मिलेंगे। अब शायद दोस्तों इन एक या दो सालों में हमको और भी इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन दोस्तों हम आपको एक एक इन्फॉर्मेशन से अपडेट करवाते रहेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया ना तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। चलिए घर मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले एक धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।